हेलो फ्रेंड्स शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ दी बिजनेस स्टडीज फॉर प्लस टू कॉमर्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू हैव ए लुक एट दी समराइज नोट्स एंड रिवाइज दी टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट एंड उसी के साथ वी विल आल्सो डू दी एमसीक्यू और उसी के साथ ही क्या है कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट का एम है वो मैंने अपनी ऐप के अंदर भी डाला हुआ है तो ये एक्स्ट्रा फाइव क्वेश्चन है जो इसके अंदर हम करेंगे तो वहाँ पर आप जाके इकनॉमिक्स कॉमर्स एंड अकाउंट्स के जो एम uh, सी है वो सॉल्व कर सकते हो तो दिस इज़ माई ऐप एडिसम ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ये जो ऐप है कॉमर्स इकनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है तो मेन्यू के अंदर ऑप्शन है फ्री टेस्ट की तो वहाँ पे आप जाके ट्राई कर सकते हो और उसी तरह जो प्लस टू कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बिजनेस स्टडीज़ अकाउंट्स एंड इकनॉमिक्स के फ्री मॉक टेस्ट लेके आती है तो वहाँ पर आप जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो तो वेरी क्विकली क्योंकि जो बिज़नेस है वो आइसोलेशन में नहीं होता तो बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं अगर हमने बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट को हमें कंटीन्यूशन बेसिस के अंदर जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी स्कैनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो हमें बताती हैं कि व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट आर दी थ्रेड्स तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है डैट इज़ इज सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स फोर्सेज इंस्टीट्यूशनस पर्सन हुआ ऑपरेटिंग आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन और जिसके ऊपर हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता तो इसलिए बिज़नेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ही नेसेसरी हो जाता है तो वट आर दी फीचर्स और क्रैक्टिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट तो यहाँ पे ये जो है uh, डिड उमेश समिट हिज आई टी आर कॉपी तो इससे क्या है कि हम कैरेक्ट्रिस्टिक्स को बड़ी आसानी के साथ जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं डी का मतलब जो है डायनेमिक है और यू का मतलब अनसर्टेंटी है और ऐस का मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर्स जिनका हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट एंड इमीजिएट इम्पैक्ट होता है आई जो है डेट इज़ इंटर रिलेटेड डी जो है डेट इज़ द टोटैलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एनी कंट्रोल आर जो है डेट इज़ दी रिलेटिविटी एंड दी सी जो है डेट इज़ दी कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम वन बाय वन करके जो है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टोटेलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो हमारे बिज़नेस के बाहर होती हैं देखो कुछ स्पेसिफ़िक फोर्सेस होती हैं कुछ जनरल फोर्सेस होती हैं जिनका हमारे बिज़नेस के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है तो यहाँ पे टोटेलिटी के अंदर उनका इम्पैक्ट देखा जाता है स्पेसिफिक फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कस्टमर्स हैं इम्प्लॉइज हैं इन्वेस्टर्स हैं कॉम्पिटिटर्स हैं सप्लायर्स हैं जो हमारे बिज़नेस को डायरेक्टली और इमीजिएटली प्रभावित करते हैं जनरल फैक्टर्स जो हैं जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है लीगल इन्वायरमेंट है सोशल इन्वायरमेंट है पोलिटिकल इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है तो इनके अंदर जब चेंजेस आती हैं तो ये हमारे बिज़नेस के ऊपर इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं कि जो भी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस होती हैं तो उनका इम्पैक्ट जो होता है Uh, मतलब स्टडी करना पड़ता है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जैसे मिडिल क्लास के अगर uh, जो है परचेजिंग पावर इनक्रीज़ होती है तो इट मीनस के uh, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी जो है डिमांड बढ़ सकती है तो इस तरह से इकोनमी के अंदर जब एक चीज़ में चेंज आती है तो उसका इम्पेक्ट उसी चीज़ में नहीं होता अदर चीज़ों को भी वो इन्फ्लुएंस करता है और उसी तरह बिज़नेस इन्वामेंट जो है अनसर्टन होता है पता नहीं होता कि किस तरह की चेंज आ सकती है और उसी तरह नंबर ऑफ़ फैक्टर जो होते हैं हमारे बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जब हम देखते हैं कि जो बिज़नेस इन्वामेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो किसी कंपनी के लिए वो अच्छी भी हो सकती है और किसी कंपनी के लिए मॉडरेट भी हो सकती है किसी कंपनी के लिए वर्स भी हो सकती है तो रिलेटिव इम्पैक्ट जो चेंजेस इन बिज़नेस इन्वामेंट डेट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी कंट्री टू कंट्री और बिजनेस इन्वायरमेंट जो है डेट इज़ वेरी डायनामिक वो हमेशा चेंज होता रहता है वो स्टेबल नहीं होता तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है देखो यहाँ पे जब हम बिज़नेस इन्वामेंट को कंटिन्यूशन भी स्कैन करते रहते हैं तो हमें पता चलता रहता है क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हमारा बिज़नेस जो है यूज़ कर सकता है क्या थ्रेट्स हैं जिसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके बेसिस पर जो व्यक्ति जो है बिज़नेस इन्वामेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको देखते हुए अपने बिजनेस को सेट करता है या बिज़नेस के अंदर इस तरह की अडापशन करता है तो वो फर्स्ट मूवर ऑफ द एडवांटेजेस होता है क्योंकि उसने मूव मतलब उससे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और फर्स्ट मूवर बन गया और उसी तरह देखो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उससे हमें थ्रेट्स भी पता चलते हैं वार्निंग सिग्नल्स भी मिलते हैं कि बिज़नेस के अंदर हमें ये सूटेबल चेंजेस करनी पड़ेगी अदरवाइज बिजनेस हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो बिज़नेस इन्वायरमेंट को जब हम स्कैन करते रहते हैं तो जो चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बिजनेस को चेंज करते रहते हैं अडेप्ट करते रहते हैं तो ये हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी हेल्प करता है पॉलिसीज़ बनाने में भी हेल्प करता है और उसी तरह बिज़नेस इन्वामेंट में जब अपॉर्चुनिटी होती है तो हमें पता चलता है कि किस तरह के रिसोर्सेज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कंटिन्यूशन के अंदर जब हम बिज़नेस इन्वामेंट को गॉज करते हैं तो उससे बहुत बेनिफिट होता है उससे क्या होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इकनॉमिक इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पोलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट तो ये क्विक रीज़न है तो इसके साथ ही मैं दूसरा वीडियो भी अटैच कर दूँगी जो बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर है इकनॉमिक इन्वायरमेंट जब भी हम बिजनेस करते हैं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी होता है कि किस तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन होता है उसमें क्या चेंजेस आती हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस क्या है लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है या डिस्पोजेबल इनकम है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है स्टॉक मार्केट में किस तरह की चेंजेस आ रही हैं सोशल इन्वायरमेंट के अंदर लोगों के कस्टम ट्रेडिशनल लिटरेसी रेट एजुकेशन लेवल लाइफ स्टाइल वैल्यूज एक्सेट्रा किस तरह से चेंजेस हो रही हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रही हैं तो वो हमारे बिजनेस को किस तरह से इम्पेक्ट करती है किस तरह से हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करती है किस तरह से साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन दे आर टेकिंग प्लेस इन द इकॉनमी पोलिटिकल इन्वायरमेंट जो है देखो जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट है कि जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट invest करते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो पोलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर होता है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है इकोनॉमी के अंदर क्योंकि अगर पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल होता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है उसी तरह लीगल इन्वायरमेंट जो है वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन जो है गवर्नमेंट किस तरह से लॉज बनाती है और किस तरह से वो हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है किस तरह से हमारे बिज़नेस को इन्फ्लुंस करते हैं तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तो एम फर्स्ट जो है विच इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस की इनमें से कौन सा है जो हमारे सोशल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुंस करता है मनी सप्लाई इन दी इकोनमी डैट इज़ दी इकनॉमिक कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट जो है लीगल इन्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जो है डैट इज़ द पोलिटिकल सो कम्पोजिशन फैमिली जो है डैट इज़ दी राइट आंसर डैट इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट अब हम चेक करते हैं आंसर क्या है तो डेट इज़ दी कम्पोजिशन ऑफ द फ़ैमिली इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट सेकेंड एम सी क्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ये जो है सोशल इन्वायरमेंट का है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट है ईजी फिनांसिंग स्कीम तो डेफिनेटली ये जो है डेट इज़ ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सो दिस इज़ दी राइट आंसर इजी फिनंसिंग दी रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री क्या वो लिबलाइजेशन है ग्लोबलाइजेशन है प्राइवेटाइजेशन है डिसइनवेस्टमेंट है तो लिबलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बिजनेस को स्मूथली रन किया जाए उसके ऊपर जो ऑब्स्टिकल होते हैं उनको रिमूव किया जाए तो लिबलाइजेशन जो है डेट इज़ दी राइट आंसर विच ऑफ़ द फॉलिंग इज़ नॉट ए कम्पोनेंट ऑफ स्पेसिफ़िक फोर्सेज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल कंडीशन जो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो कि जनरल है कस्टमर इम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टमेंट कस्टमर इम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टर जो है वो स्पेसिफिक फ़ोर्सेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है जिसका इम्पैक्ट जो होता है डायरेक्ट और इमीजिएट होता है तो इसका आंसर जो है टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है जो कि स्पेसिफिक फोर्सेज का जो है हिस्सा नहीं है The constitution of the country is an element of legal environment, political environment, social environment, and the economic environment. So, this is the part of the political environment. This is the right answer.